डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पीते रहो और नाक करते रहो, फटो। और मेरे दोस्त का नाम परमीत है। एक रील देख रहे थे तो उसमें वो बता रही थी कि जिंदगी बिल्कुल पजामे सी हो गई है, मतलब कि जिसमें चैन ही नहीं है। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त रीना शर्मा और ये है मेरा नन्हा मुन्हा नटखट बेटा ईशान, जो कि अभी सो रहा है। टाइम हो रहा है 5:30, मतलब 5:30 होने वाला है। यहाँ पर उसके हाथ में चोट लगी थी जो कल शाम में लगी थी, लेकिन हम उस पर कुछ लगा नहीं पाए थे, भूल गए थे, तो अभी थोड़ा सा एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दिया है और उसको उठा रहे हैं, क्योंकि कल वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, मम्मी मॉर्निंग वॉक पे चलो, तो बोले चलो 5:30 हो गया है। और हम झाड़ू वाड़ू लगा लिए हैं, सोचे कि फ्रेश होने के बाद कम से कम झाड़ू घर में लगा लें उसके बाद ही निकलें। और ईशान भी मॉर्निंग वॉक के नाम पर उठ गया है, तो माँ बेटे का थोड़ा सा प्यार दुलार हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तो जान है ना, हर माँ की जान तो बच्चे में ही होती है, और एक औरत संपूर्ण भी होती है बच्चे से ही। और बच्चे के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी माँ के ऊपर आती हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से निभानी भी होती हैं, क्योंकि माँ का दायित्व तो बहुत ही बड़ा होता है। तो खैर, मेरा बेटा उठ गया है, पानी पी रहा है और बोल रहा है मम्मी सांस नहीं आ रहा है, नाक बंद है, यानी उसको सर्दी हो गई है। तो 5:30 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। अरे ईशान पानी पिया, फिर टॉयलेट गया, मम्मी चेंज की कपड़ा, और फिर अब हम लोग जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पर। गुड मॉर्निंग मम्मी। चल क्या देते बेटा, लाइट ऑफ कर दो बेटा, तो जाना ही है तो लाइट जला के तो तुरंत साफ हो ही जाएगा पूरा। बाहर तो है ही, सीढ़ी के अंदर लगता है अंधेरा। आ जाओ। तो हम लोग निकल गए हैं 5:40 में, हम लोग घर से निकले और चल रहे हैं, और ईशान रास्ते भर बताते चलेगा मम्मी ये बाइक, मम्मी वो कार। और उसको व्हीकल्स का इतना ज़्यादा शौक़ है कि पूरे रास्ते हमको गाड़ी का, बाइक्स का और कार का वो नाम बताते चलेगा। हम बोले ठीक है। और अभी देख सकते हैं कि अभी भी बहुत सारे लोग उठे नहीं हैं, जगे हुए नहीं हैं, सोए ही हुए हैं, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं। बच्चों की छुट्टियां हैं तो माता पिता भी आराम कर रहे हैं, और हम अपने बेटे को लेकर टहल रहे हैं। तो अच्छी आदत है, सुबह में टहलना ही चाहिए, लेकिन ईशान को बोल रहे हैं मॉर्निंग वॉक करना है तो थोड़ा फास्ट करो, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा है, धीरे धीरे ही चल रहा है। और अगर हम ज़बरदस्ती करेंगे तो घर जाकर बोलेगा मम्मी पैर दुख रहा है। तो फिलहाल हम लोग आ गए हैं राजीव नगर, ये रोड जाकर मिलती है, मतलब ये रोड सीधे राजीव नगर जाती है, तो सोचे इधर से ही गोल घूमकर चले जाएंगे हम लोग। और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं उसको अटल पथ बोलते हैं, और यहाँ पर सब्जी वाले लोग अपना अपना जगह पकड़ रहे हैं, सब्जी लगा रहे हैं, और यहाँ पर वही हो रहा है जगह के लिए झगड़ा, सुबह सुबह यहाँ झगड़ा हो रहा है ना स्थान। तो कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती है जो हाथापाई से होती है, कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती है जो सुनकर लेगा अब लड़ाई हो ही जाएगी, लेकिन लड़ाई होती नहीं है, वो मुँह ठेठी उसको बोलते हैं। तो फिलहाल यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारी सब्जियाँ लगी हुई हैं, और मेन वही है, परवल, करेला, कद्दू, तुरई, खीरा, टमाटर और मूली, यही सब है, मतलब हरी सब्जियां तो यही होती हैं। तो फिलहाल बहुत सारे लोग अभी लगा ही रहे हैं, लगाए नहीं हैं, तो आज तो मुझे लेना नहीं है, फिर किसी दिन आएंगे तो सब्जी लेकर हम लोग भी चलेंगे। तो यहां से हम लोग गोल गोल घूमकर अब वापस लौटते हैं। बेबी काऊ, बाय बाय बेबी काऊ, ये खटाल है, वो सब इसकी मम्मी है, मम्मी मम्मी मम्मी, और इधर एकदम कचरा कचरा कचरा। तो वहाँ से हम लोग जब लौट रहे थे तो ईशान घर की तरफ नहीं मुड़ा, एक मंदिर पड़ता है हमारे घर के पास में ही है, बोला मम्मी मंदिर के पास चलो, बोले ठीक है चलो, प्रणाम करके 5 मिनट बैठ कर उसके बाद हम लोग घर वापस चलेंगे। तो हम लोग आ गए हैं और देख सकते हैं एक महिला है जो मंदिर को चारों तरफ से धोई हैं, और हम लोग भी हाथ पैर धोकर पीछे मतलब हैंडपम्प से हम लोग आज हाथ पैर धोए, नल से पानी नहीं आ रहा था। और इसके बाद आ गए हैं प्रणाम करने के लिए, तो ये जो ग्रीन सूट पहनी है यही धो रही हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं जो सुबह में मंदिर की साफ़ सफाई करते हैं, पुण्य का काम है, करना भी चाहिए। तो हम लोग भी माँ बेटा बैठ गए हैं फर्श पर और भगवान जी का ध्यान कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और सीताराम का जाप कर रहे हैं।
तो बहुत सारे महिलाएं हैं जो बैठी हुई हैं। ईशान बोला मम्मी ऊपर तक पर बैठ जाते हैं। बोले नहीं बेटा नीचे बैठ जाओ, ध्यान करना चाहिए भगवान के सामने तो नीचे ही बैठना चाहिए। तो देख सकते हैं पीछे भी बहुत सारी महिलाएं हैं और मेरे बगल में एक जेंट्स हैं जो काफ़ी देर से ध्यान में लगे हुए हैं। तो अच्छा लगता है ना मंदिर में, मंदिर का माहौल भी सुबह सुबह शांत बहुत ही अच्छा लगता है। तो वहाँ से जब निकलने लगे तो बगल में नहीं, ये छोटा सा फील्ड की तरह है, मंदिर के अंदर ही है। तो ईशान चला गया और ईशान पहले जाता था तो उन लोगों को पहचानता था, तो हमसे चलो बच्चा थोड़े देर में आ जाएगा, लेकिन मेरा बच्चा लगा एक्सरसाइज करने। दादाजी लोग के साथ बोल रहा था मम्मी चलो ना दादाजी से मिलवाते हैं। हम बोले नहीं बेटा आप जाइए, हम इधर आपका इंतज़ार करेंगे। तो ईशान लग गया एक्सरसाइज करने, हम सोचे 5-10 मिनट में करके आ जाएगा, लेकिन मेरा बच्चा तो 30-40 मिनट लगा दिया और हम बैठे रहे। तो अंकल एक बोल रहे थे कि आप ऐसे क्यों बैठी हैं, आप भी एक्सरसाइज कर लीजिए, लेकिन बड़े बुजुर्गों के सामने पता नहीं अच्छा नहीं लगता, इस वजह से हम नहीं किए। और ये हम इधर हवन कुंड के पास बैठे थे, तो ये देख सकते हैं मंदिर के अंदर का एंट्रेंस है ये, और उसके अंदर ही हम लोग बैठकर ध्यान कर रहे थे। वो भी काफ़ी बड़ा आंगन की तरह है लेकिन वो बंद है, और ये खुला आंगन है और ये मेन एंट्रेंस है, और हम जहाँ बैठे हुए हैं वो हवन कुंड है। तो काफ़ी बड़ा हवन कुंड है और यहाँ पर शादी वगैरह भी करवाया जाता है। तो ये मंदिर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, और हवन कुंड के आगे ही बैठकर हम अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे हैं। और 4:30 से जगे हुए हैं और मेरा हेडेक हो रहा है, लग रहा है चाय पी लेते हैं, लेकिन अब तो बच्चा आएगा तभी जा पाएंगे। तो हम लोग घर पहुँचे 7 बजे, चाय वगैरह बना दिए हैं, मतलब चाय चढ़ा दिए हैं, हो ही गया है, अब चाय को छानना है। एक अच्छा सा भजन लगा दिए हैं और थोड़ा सा आकर तुरंत मन नहीं होता ना, तो 5 मिनट बैठ गए थे। तो सोच सकते हैं कि 4:30 के उठे 7:30 बजे हम चाय पीने जा रहे हैं। तो चाय छान कर चाय पी लेते हैं, लेकिन जानते हैं इतना मन थक जाता है ना, और मतलब ऐसा हो जाता है कि ये जो हम लोग ऐसे डेली रूटीन में जो काम करते हैं उससे एक्स्ट्रा हो जाता है ना। तो उतने देर टहले, फिर उतने देर मंदिर में बैठकर ईशान का इंतज़ार किए, तो काफ़ी थका सा मन लग रहा था। लेकिन यही है कि घर आकर ऐसा तो है नहीं कि आराम करना है, और मेरा बच्चा भी अभी बैठा हुआ है, थक गया था वो भी। तो वो क्या किया कि थोड़े देर बाद उसको बोले तुम नहा लो बेटा, तो नहा कर ईशान गया है पूजा करने और 8 बजने वाला है, तो हम पोछा लगा लिए हैं और किचन में अब उसके लिए नाश्ता बना रहे हैं। तो ये देख सकते हैं बालकनी के पास, बालकनी में ही मतलब ईशान कोण में एक छोटा सा पूजा का मंदिर है हम लोगों का। तो ईशान अगरबत्ती निकाल रहा है जो कि दादी से जलवाएगा, वो खुद से नहीं जलाएगा। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि ईशान अगरबत्ती मतलब माचिस वगैरह जलाता है, वो बाहर लेकर आता है फिर दादी से जलवा लेता है और फिर सब जगह दिखाता है, पूरे घर में घूम घूम कर दिखाता है और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करता है। और फिर से पूजा करने के बाद वो पैर छूकर प्रणाम किया मेरा, दादी का, और फिर भाभी आई हुई हैं तो बड़ी मम्मी को भी किया। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है कि बच्चा इतना मतलब एक अच्छे संस्कार की तरह है ये कि बड़ों का पैर छूकर आप पूजा कीजिए, बड़ों का पैर छूकर प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। तो ये कुछ अच्छे संस्कार होते हैं जो बच्चों में डालने ही चाहिए, और कोशिश कीजिएगा छुट्टियों में बच्चे फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करें और खेले कूदे तंदुरुस्त रहें तो और खुश रहें। तो बच्चे को ना अपने जड़ों से ज़रूर जोड़ना चाहिए, जो हमारा जड़ है, जो हमारा संस्कार है, उससे बच्चों को जोड़कर रखना चाहिए। तो फिलहाल हम आ गए हैं किचन में, ईशान ब्रेकफास्ट कर लिया है और माँ नहाने गई हैं और हम बना रहे हैं सब्जी। तो हम बना रहे हैं आलू परवल की सब्जी, और थोड़ा सा आलू परवल को फ्राई कर लिए हैं, उसके बाद मसाला फ्राई करके इसको हम डालेंगे प्रेशर कुकर में। तो एक गृहिणी को हमेशा इस तरह से काम करना चाहिए जिससे कि थोड़ी सी बचत हो सके, क्योंकि एक जगह से बहुत ज़्यादा बचत अगर ना हो तो थोड़ा थोड़ा हर जगह से बचत करके एक अच्छा खासा बचत किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम प्रेशर कुकर में सब्जी बनाते हैं तो गैस की बचत होगी, दाल वगैरह को पहले भिगोकर रखते हैं तो बनाने में कम समय लगेगा और उससे भी गैस की बचत होगी। तो बहुत सारी ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि मेरे ख्याल से तो मैक्सिमम महिलाएं करती ही हैं और करनी भी चाहिए। तो मेरा मसाला वगैरह फ्राई हो चुका है और उसमें हम टमाटर डाल दिए हैं, अब डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक और तेल जितना कम खाइए उतना ही अच्छा है। और अब इसको डालेंगे प्रेशर कुकर में। बाबू
बाबू सोना माँ नहा ली है, अब हम भी नहाने जा रहे हैं और ये सब धोना है। ये दो ही बैग आज लिए हैं, एक बैग बाद में अब धोएंगे। और ईशान को थोड़ा सा सर्दी जैसा लग रहा है, दिन भर एसी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, तो क्या होगा? हाँ बोलो। छू के हम देख रहे हैं, उस दिन जो हम गए थे डॉक्टर के यहाँ लेकर, इतना बड़ा गलती लड़का किया है। हम तो फिर वापस उधर ही से चले गए थे, मोबाइल छूट गया था तो, और यह आकर तुरंत धूप से आया दोपहर में और नारियल पानी पिया, फिर कोल्ड ड्रिंक पिया, फिर आइसक्रीम खाया। तो दादी तो बोले कि कोल्ड ड्रिंक पिया था, एक बूंद तुम पिया कि? तुमको इतनी बार समझाते हैं कि बेटा धूप से आकर तुरंत नहीं पीना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, तुम समझते ही नहीं हो, थोड़ा सा 5 मिनट रुक नहीं सकते हो? अब कुछ होगा, तबीयत खराब होगी तो परेशानी, मेरी चैन ही नहीं है। सही में एक रील देख रहे थे तो उसमें वो बता रही थी कि जिंदगी बिल्कुल पजामे सी हो गई है, मतलब कि जिसमें चैन ही नहीं है। तो यही है मेरी जिंदगी। चले नहा ले, 9:30 हो गया, पक्का 9:30 हो रहा है और माँ के घंटी का आवाज आ रहा है, मतलब माँ पूजा कर रही है तो घंटी का आवाज आ रहा है। चलते हैं नहा लेते हैं हम भी फटाफट। तो मेरे बेटे को सर्दी लग गई है और ईशान का नाक जाम रह रहा है और दिन में 10 बार हो रहा है, मम्मी छाछ नहीं आ रहा है, नाक छाप कर दो, इसको नाक भी छाप करने नहीं आता है, दादी देख रही हैं। तो यही होता है ना कि बच्चों का तबीयत खराब होगा ना तो इतना ज्यादा टेंशन हो जाता है, क्योंकि खुद से वो कुछ नहीं करते हैं। और ये मतलब बदमाशी तो पूरा होना चाहिए, काम हो या ना हो। तो खैर फिलहाल तो हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेटना भी मुश्किल है, लेट रहे हैं तो मम्मी नाक बंद है, सांस नहीं आ रहा है, मम्मी नाक बंद, नाक तो इसका सांस नहीं बंद होता है, मेरा सांस बंद करवा देता है, इतने बार बोलेगा कि क्या बताएं। तो आज की वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। और आज ईशान मॉर्निंग वॉक पर गया और बहुत खुश हुआ एक्सरसाइज वगैरह करके, और हमको भी बहुत अच्छा लगा, जब बच्चा खुश होता है तो माँ को अच्छा लगता ही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे कल। अगर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए प्लीज। अब हम लोग मिलेंगे कल के व्लॉग में। बाय बाय, टाटा, डिंग डिंग, बाय बाय, टाटा, डिंग डिंग, और दादी की तरफ से भी बाय बाय। डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पीते रहो और नाक करते रहो फटो। और मेरे दोस्त का नाम परमीत है।